बम का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। दोनों ही शहरों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, यानी आज से करीब 71 साल पहले के परमाणु बम ने इतना बड़ा विनाश किया था। तो सोचिए कि आधुनिक तकनीक से बने परमाणु बम कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनसे आने वाली तबाही का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हुआ तो उससे आने वाली तबाही का अंजाम भयंकर हो सकता है। अगर परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान में हुआ तो नतीजे न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी साबित होंगे। अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में की गई स्टडी के अनुसार 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग ब्लास्ट होने के तुरंत बाद ही मर जाएंगे। यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या की आधी है और बाकी जो बचेंगे उन्हें रेडिएशन खत्म कर देगा। इसके बाद 5 मिलियन टन धुआं बादलों से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में तुरंत ही छा जाएगा। यह धुआं धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा और धुएं का ये बादल सूर्य की प्रकाश किरणों को धरती की सतह पर नहीं आने देगा, जिससे विस्फोट के 10 दिन के भीतर ही उत्तरी गोलार्ध का तापमान लिटिल आइस एज के समय के तापमान से भी ठंडा हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत मध्य अक्षांश में 25 से 40% और उत्तरी अक्षांश में 50 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। इससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें ज्यादा मात्रा में धरती तक पहुंचेंगी, जिससे प्राणियों और वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जलवायु में हुआ परिवर्तन उत्तरी गोलार्ध में खेती के समय को कम कर देगा। कनाडा जैसी जगह तो इतनी ठंडी होगी कि वहां गेहूं की फसल भी नहीं उगाई जा सकेगी। विश्व का अनाज भंडार जो कि इस वक्त इतिहास में सबसे कम स्तर पर है और भी कम हो जाएगा। कई देश अनाज निर्यात करना बंद कर देंगे, इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जान गए कि परमाणु युद्ध की धमकी देना या उसकी बात भी करना कोई हंसी खेल नहीं है। परमाणु युद्ध दोनों तरफ आने वाली कई पीढ़ियों के लिए श्राप साबित होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों में कौन अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहेगा, आइए जानते हैं। भारत के पास इस वक्त 110 से 120 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120 से 130। परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्त्र, हत्फ, गजनबी और अब्दाइली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है। इन मिसाइलों से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। वहीं भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी मिसाइलें हैं, इनकी मारक क्षमता 150 से 600 किलोमीटर की है, जबकि मध्यम दूरी की अग्नि मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 700 से 8000 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो भारतीय मिसाइलों की पहुंच में ना हो। इन मिसाइलों से भारत ने हमला किया तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, नवशेरा, लाहौर जैसे बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा सच परमाणु युद्ध का ये है कि इसमें जीत किसकी होगी, इसका फैसला ये बात तय नहीं करेगी कि किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं, क्योंकि कोई भी देश पूरे 100 हथियारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। जीत उसके हिस्से में जाएगी जिस देश के पास परमाणु हमले को रोकने या विफल करने की क्षमता होगी, जिसे एंटी मिसाइल तकनीक भी कहते हैं। भारत के पास एक ऐसा ही रक्षा कवच है जिसे पाकिस्तानी मिसाइलों से भेद पाना बेहद मुश्किल है। भारत का बेहद सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है।
भारत के पास ऐसे दो रक्षा कवच हैं। पहला रक्षा कवच पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास इतना मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस में 30 से 80 किलोमीटर ऊपर जा रही दुश्मन की मिसाइल को 300 से 2000 किलोमीटर दूर मार गिराया जा सकता है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम धरती से 30 किलोमीटर ऊपर जा रही मिसाइलों को 150 से 200 किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एंटी मिसाइल सिस्टम जैसी कोई तकनीक नहीं है, इसलिए भले ही पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार हों, लेकिन भारत एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्रतिरक्षा में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। यानी साफ है कि भारत को इस परमाणु युद्ध का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये बात भारत को अंत में बड़ा साबित करती है। ये आंकड़े किसी देश की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चाई बताने के लिए है कि परमाणु युद्ध का अंतिम विजेता भारत होगा, इसलिए वो सोच समझ के धमकी दें। और सही मायनों में तो किसी की भी जीत नहीं होगी, विनाश जीतेगा और जीवन हार जाएगा। बचा हुआ जीवन बाकी दुनिया से सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा, जिसे फिर से पनपने में सैकड़ों साल और लग जाएंगे। इसीलिए हम आशा करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।